हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसा हमने इडली बनाया था उसी बैटर का, उसी तरीके से आज हम डोसा बनाएंगे और चटनी भी उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी को पोहा ले लिया है, जिस कटोरी से हम नापते हैं उसी से हमने उतना ही पोहा लिया है। तो यहाँ पे एक कटोरा लिया है, उसमें पलटी कर देते हैं और इसे अच्छे से हम धो लेते हैं। तो इसे मैंने धो लिया, इसका पानी भी मैंने सारा गिरा दिया। तो यहाँ पे मिक्सर का जार लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है सूजी एक कटोरी, तो इसमें से आधी कटोरी हमें डालना है। सिर्फ हमारा जो डोसा है वो थोड़ा क्रिस्पी बने, तो यहाँ पे मैंने दही लिया, ये भी दो चम्मच डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका पतला पेस्ट बना लिया है, जिस तरीके से हमें चाहिए है डोसा बनाने के लिए। तो ये सारा हम पलटी कर देते हैं, सारा मैंने पलटी कर दिया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, क्योंकि डोसा का जो बैटर रहता है वो थोड़ा गीला गीला रहता है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। तो इसमें नमक डाल के और फिर कुछ टाइम के लिए हम रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड, तो इसे हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। जब तक हमारा सूजी फूलेगा तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। कढ़ाई को रख दिया है, तो गैस को ऑन कर लेते हैं, कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। और मूंगफली की हम चटनी बनाएंगे और जो गरी आता है उसकी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली डाल दिया है एक कटोरी, तो इसे अच्छे से हमें भूज लेना है ताकि इसका छिलका अच्छे से छोड़ दे। अगर एक आँख ही रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं लाल होना स्टार्ट हो गया है। तो अब गैस को हम बंद कर देते हैं, इसे ठंडा कर लेते हैं। तो इसे मैं पलटी कर दे रही हूँ एक बड़े से थाली में, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर इसका हम छिलका भी निकाल लें। तो इसे ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छिलका निकाल दिया है, मिक्सर का जार ले लिया है। तो उसमें डाल देते हैं भुजा हुआ मूँगफली और जो हमने गरी रखा था वो, दो मिर्चा और लहसुन इस और अदरक भी डाल देते हैं इसी में। तो स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को हम इसमें, यहाँ पे मैंने अदरक लिया है ये भी डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट मैंने बना लिया है चटनी का। यहाँ पे फिर वही कढ़ाई रख दिया है मैंने, तो गैस को ऑन कर लेते हैं, कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, तो हमने तेल डाल दिया है। तो इसमें डाल देते हैं सरसों के दाने। यहाँ पे मैंने सरसों लिया है, जिसे राई भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कड़ी पत्ता, तो ये भी डाल देते हैं। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से चटकने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है जो चटनी हमने पीस के रखा था वो ऐड कर देते हैं। बहुत लोग हैं जो ऐसे ऊपर से ही तड़का दे देते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से देते हैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पानी हम डालते हैं तो वो कच्चापन रह ही जाता है। तो कभी आप लोग इसी तरीके से ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चटनी हमारी बन के रेडी हो गई, आप लोग देख सकते हैं कितनी टेस्टी चटनी लग रही है। तो कभी इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करना, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारी सूजी भी फूल गई, आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना पानी ऐड किया था, सारा सूख गया है। तो इसमें और पानी ऐड कर देते हैं। सूजी हमें जिस तरीके से चाहिए था उसी तरीके से हुआ, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के इसे और हम पेस्ट बना लेते हैं अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से हमें चाहिए है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं डोसा। तो यहाँ पे पैन को मैंने रख दिया है, गैस को ऑन कर देते हैं। तो इसे अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम डाल दे रहे हैं नमक और थोड़ा सा तेल डाल देंगे इस पर पैन पे, और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस पे डाल दिया है, जिस तरीके से चावल और दाल का हम बनाते हैं एकदम उसी तरीके से लगेगा, कोई पहचाने नहीं पाएगा कि हाँ ये मैंने पोहा से बनाया है। तो चलिए हम फटाफट बना लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं छत पे। आज मैं लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज की धूप होती है और धूप में कपड़े सारे खराब हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने घर में झाड़ू भी लगा दिया है, सारा बिस्तर भी क्लीन कर दिया है मम्मी पापा का, और यहाँ का सारा साफ सफाई हो गया। मैंने झाला भी मार दिया है और बाहर का भी सारा काम हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम क्लीन है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नीचे, मिलते हैं क्योंकि बहुत तेज की धूप होती है। तो चलिए चलते हैं नीचे। और यहाँ पे कल मुझे अंधेरा था ना, लाइट नहीं थी, तब गोल ये चलते हैं नीचे। तो दवा मैंने लिया है, गर्मी है, दरवाजा बंद कर देते हैं। भी नीचे का भी चद्दर हमें चेंज करना है, तो चलिए फिर नीचे का भी चद्दर चेंज कर लेते हैं। तो हम नीचे आ गए हैं, तो चद्दर मैंने निकाल लिया है, चलिए चद्दर बिछा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ का चद्दर मैंने चेंज कर दिया है, तो मैंने नया चद्दर लगा दिया है। यहाँ पे भी नया चद्दर लगा दिया क्योंकि कल कोई गेस्ट आने वाले हैं हमारे यहाँ। और यहाँ का भी चेंज कर दिया, तो यहाँ पे मैंने नया तकिया लगा दिया, ये वाला गोल वाला, यहाँ पे भी चेंज कर दिया। सारा चेंज मैंने कर दिया है, कल हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। तो कौन आने वाले वो आपको कल के ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को हम यही पेंट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चलिए गुड नाइट। और खाने में हमने क्या बनाया है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। आज कोमल ने बनाया है खाना, आइए फ्रेंड्स क्या बना। तो यहाँ पे बना है पूड़ी, यहाँ पे बना है सब्जी, तो ये है सोयाबीन की सब्जी, नहीं बन पाया। तो चलिए